दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर टुडे टाइम में। तो मैं यह इसलिए बना रहा हूँ कि एयरटेल कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। तो आप लोग भी अगर एयरटेल उपयोगकर्ता हैं, आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं, तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कृपया एयरटेल सिम को ना लें। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो एक साल या दो साल पुरानी सिम है उन सबको बंद कर उनका डाटा बंद कर देता है और 2G नेटवर्क चालू कर देता है, 4G की जगह 2G नेटवर्क। तो मेरे साथ ही है, 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, मैंने काफ़ी कंप्लेंट डाली, आपको कंप्लेंट दिख भी रही होंगी। देखिए, ये 3 कंप्लेंट डाली थी लेकिन इनको सॉल्व नहीं किया गया। इसको सॉल्व करने के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया गया कि मैं 1 महीने के बाद सॉल्व होगी, लेकिन बाद में मैंने कॉल करके इनसे पूछा तो ये बोलते कि आपको स्वैप कराना पड़ेगा। स्वैप कराने की यानी इसी नंबर का सिम, नया सिम लेना पड़ेगा एयरटेल का। इसके लिए आपको कम से कम कहीं अपनी जगह में 100 रुपये, 150 रुपये लेता है कोई, 200 रुपये लेता है, तो आपको ये काम का पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो ये कंपनी ऐसा करें तो आप कोई भी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कंपनी की सिम ना लें और किसी भी कंपनी की सिम ले लें, या फिर इसी नंबर को अगर आप सिम यूज़ कर रहे हैं तो अपने पोर्ट को, सिम को पोर्ट करा लो किसी और नंबर में, लेकिन एयरटेल का सिम ना लें, क्योंकि ये कंप्लेंट नहीं सुनती है। और धीरे धीरे करके एक दो साल पुरानी सिम है उनको क्या है, चेंज कर दे रही हैं सिम को, डाटा बंद कर देते हैं, 2G नेटवर्क आता है, डाटा चलता नहीं है, कॉल नहीं लगती है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ये सब सिम कंपनी वाले जानबूझकर कर रहे हैं, सिर्फ एयरटेल कंपनी वाले जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं कि ये सिम को ये 50 रुपये चार्ज ले लेंगे, क्योंकि कंपनी है ना लोगों से 50 रुपये चार्ज लेती है, जिससे ये करोड़ों रुपये कमा रही है। ऐसे करें सभी लोग एक एक करके गरीब लोगों के सिम को बंद कर करोड़ों रुपये ऐसे कमा ले रही है, जिससे गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। तुम जाओ कहीं भी सिम द्वारा इसी नंबर की स्वैपिंग कराएं या इसी नंबर के द्वारा सिम लें इसी कंपनी, वो तो आपको कम से कम 100-150 रुपये लगेगा। इससे बचाने मैं कह रहा हूँ इसको पोर्ट करा लें किसी और नंबर में, एयरटेल की सिम यूज ना करें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप सबको, एक मिनट दिखा रहा हूँ, मुझे भी 150 रुपये की नई सिम लेके आनी पड़ी है। मजबूरी थी ये थी कि ये सब डॉक्यूमेंट में लगी हुई थी, मेरी सिम काफ़ी डॉक्यूमेंट में लगी हुई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में लेके आनी पड़ी है। तो आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एयरटेल उपयोगकर्ता है, यूज़ कर रहा है एयरटेल सिम को, अगर आपका चलते चलते नेट नहीं चल रहा, 2G नेटवर्क आया कई दिनों से, नेट सिम के टावर से गायब हो गए, तो ये सब कंपनी वाले जानबूझकर कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप इसी नंबर की दूसरी सिम, नई सिम लेने जाएं, जिससे आपको से पैसा ले सके, आपसे पैसा ले सके, जिससे ये पैसा वाले हो जाएं। सभी के सिवा में जानबूझ कर कंपनी कर रही है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं है तो सीधी भाषा में ये कहना कि एयरटेल कंपनी वाले जो 1-2 साल पुरानी सिम, उन सिम को धीरे धीरे बंद कर यानी उनका डाटा बंद कर 2G नेटवर्क चला कर, जिससे व्यक्ति को डाटा नहीं चला पाए उसका, वो परेशान होगा, परेशान होने का एयरटेल कस्टमर को कॉल करेगा, वो कहेगा कि आप नई सिम ले लो इसी नंबर की, जिससे वो कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे और नई सिम लेनी पड़ेगी, आपकी सिम आपका ही पैसा आपको ही देना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है इस सिम को ना लें, वरना ये सिम वाला आपको लूटता रहेगा ऐसे ही, आप कभी डाटा बंद कर देगा, कभी कॉल बंद, कभी नेट नहीं चलेगा। तो एयरटेल कंपनी का सिम आप ना लें, आपके लिए यही बढ़िया रहेगा। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, उस गलत सिम जानबूझ कंपनी वाले सिम को 4G नेटवर्क को 2G में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे नेट आपको चलता नहीं है, आप दूसरी सिम लेने जाते हैं इसी नंबर की, आपको पैसे देना पड़े, इससे अच्छा इसी सिम को पोर्ट करा लो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब बेशक मत करना, बस आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैं कई सारी वीडियो देखी यूट्यूब पर, कोई कुछ नहीं बता रहा, कोई फालतू APN VPN ये सेट कर लो वो, कुछ नहीं, ये कंपनी का जानबूझकर करना है, आपको इससे बचना है। तो नई इस सिम को बंद करो, नई सिम ले लो, या फिर ये नंबर आपका पोर्ट एंड इसको पोर्ट करा लो किसी और नंबर में, ठीक है। अगर अच्छी लगो वीडियो तो ठीक है।